माय डियर स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मास नंबर। मास नंबर क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, मास नंबर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए, एज एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड। सिमिलरली मास नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए। देखिए बच्चों, मास नंबर पढ़ने से पहले वी शुड नो अबाउट द बेसिक्स ऑफ एटम। एज वी नो, एटम इज़ कंसिडर टू बी स्फेरिकल एंड देयर आर थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इन द एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हैव नेग्लिजिबल मास, राइट? मास ऑफ एटम जो होता है, इट इज़ ड्यू टू मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ओनली। जब हमारे पास ये स्फेरिकल एटम है, सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, राइट? और जो इलेक्ट्रॉन है, इट इज़ अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्विंग, राइट, इन सर्कुलर पाथ। इलेक्ट्रॉन का मास जो है नेग्लिजिबल, राइट? तो फिर जो एटम का मास है, इट इज़ ड्यू टू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ओनली, राइट? तो यहाँ से जो है हम मास नंबर का डेफिनेशन जो है डिफाइन करेंगे कि मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट, इट इज़ द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। सो ये डेफिनेशन है मास नंबर का। मास नंबर जो होगा एलिमेंट का, इज़ द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो मास नंबर को हम सिमिलरली लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो शॉर्टकट में फॉर्मूला बनेगा मास नंबर इक्वल टू प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हैं, दोनों जो हैं न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, राइट? तो इसीलिए हम इन दोनों को कलेक्टिवली क्या कहते हैं? न्यूक्लियन कहते हैं। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कलेक्टिवली आर नोन एज न्यूक्लियन। मास नंबर और एटॉमिक मास टर्म में क्या डिफरेंस है? मास नंबर जो है, इट इज़ ऑलवेज अ होल नंबर, बिकॉज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन होल नंबर इन द न्यूक्लियस। इसलिए मास नंबर जो है, इट इज़ ऑलवेज अ होल नंबर। ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जो एटॉमिक मास है, इट इज़ यूजुअली नॉट अ होल नंबर, ठीक है? ये आमतौर पर होल नंबर के फॉर्म में नहीं मिलेगा, बिकॉज इट इज़ द रिलेटिव मास एज़ कम्पेयर्ड विद कार्बन 12 एटम। क्योंकि एक रिलेटिव मास होता है, जो एटॉमिक मास होता है, इट इज़ एवरेज रिलेटिव मास, राइट? फॉर मोस्ट ऑफ द पर्पजेज जो है, हम एटॉमिक मास जो है मास नंबर ही ले लेते हैं। जो मास नंबर का वैल्यू है, वही हम एटॉमिक मासेस का वैल्यू भी ले लेते हैं फॉर अवर सिंप्लिसिटी, राइट? बट जो डिफरेंस है एटॉमिक मास और मास नंबर की टर्म में, वो हमने आपको बता दिया। इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, राइट? ओके, थैंक यू।